मैं ये समझता हूँ डिब्रूगढ़ की जनता ने ठान लिया है इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनोज नरवर जी कम से कम 1.5-2 लाख वोट से जीत के जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को जनता 5 साल में आजमा चुकी है कि उसने क्या काम करा नहीं करा। लोग बाग थक गए, ऊब गए और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मनोज धनवर जी हैं और पूरी ताकत के साथ जनता लड़ा रही है इलेक्शन। आप खुद ही देख रहे हो जहां जा रहे हैं वहां जल सैलाब आ रहा है इनके पीछे और जनता ने ठान लिया इस बार। जनता ना अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देख के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यहां से जिताने जा रही है और जनता ने मन भी बना लिया है 2026 में भी आसाम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मनोज धनवर जी हैं। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ है उसके कैंडिडेट मनोज जी हैं। मैं ये समझता हूँ डिब्रूगढ़ की जनता ने ठान लिया है इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनोज धनवर जी कम से कम 1.5-2 लाख वोट से जीत के जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को जनता 5 साल में आजमा चुकी है कि उसने क्या काम करा नहीं करा। लोग बाग थक गए, ऊब गए और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मनोज धनवर जी हैं और पूरी ताकत के साथ जनता लड़ा रही है इलेक्शन। आप खुद ही देख रहे हो जहां जा रहे हैं वहां जल सैलाब आ रहा है इनके पीछे और जनता ने ठान लिया इस बार। जनता ना अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देख के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यहां से जिताने जा रही है और जनता ने मन भी बना लिया है 2026 में भी आसाम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मनोज धनवर जी हैं। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ है उसके कैंडिडेट मनोज जी हैं। मैं ये समझता हूँ डिब्रूगढ़ की जनता ने ठान लिया है इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनोज धनवर जी कम से कम 1.5-2 लाख वोट से जीत के जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को जनता 5 साल में आजमा चुकी है कि उसने क्या काम करा नहीं करा। लोग बाग थक गए, ऊब गए और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मनोज धनवर जी हैं और पूरी ताकत के साथ जनता लड़ा रही है इलेक्शन। आप खुद ही देख रहे हो जहां जा रहे हैं वहां जल सैलाब आ रहा है इनके पीछे और जनता ने ठान लिया इस बार। जनता ना अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देख के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यहां से जिताने जा रही है और जनता ने मन भी बना लिया है 2026 में भी आसाम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मनोज धनवर जी हैं। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ है उसके कैंडिडेट मनोज जी हैं।